नमस्कार, हम बिहारी व गाँव गुठिया कार्यक्रम मुताबिक हम बिहारी मसूरी चलियो, किले कि हम परसी मसूरी गाँव और हम वक सुन सा कि वक कुछ जो हमारा 84 परिवार रहना था सिपनकोट में, उनका मकान बिल्कुल खत्म करी कर दिया वक प्रशासनल। और तब जब हम सोचा कि भाई अगर प्रशासनल ये त्वाड़ा छे ना, तो जरूर कोई ना कोई ऑर्डर वालों कोई ना कोई बात वेली मिली। एक दिन ने तो पूछे मसूरी में सुन मिला कि सिपिन कोट में हमारे 84 परिवार सड़क में दो दे बल सरकार वाला, तो वो खक नेता बोलू बल हारे बल हाई कोर्ट का ऑर्डर था कि ये थे ये बल अवैध बसियाँ छे ना, और ये बड़े बल हटाओ यू थे। और तब वो नगर पालिका बल हटा दी। और जब पांगति जी वह गए ना, तो धरना स्थल में बैठिया छाया वो 84 परिवार का लोग। और जब उनका समीर फल गए ना कि भाई क्यों आया किले बैठिया छो तुम, जब हाई कोर्ट का ऑर्डर तो क्या बात छा, तो उन वाल साहब कहे को हाई कोर्ट वक्त इन भुआया कि अंग्रेज भी नहीं छा इतका निरंकुश जत का निरंकुश हमें सरकार हम भैर कह दियो। तो यहाँ जब बियाली गाँव गुठिया एक टीम गया पांगती जी पर से समझे आल चाहे उन एस डी एम को भी बोला कि एस डी एम खबरदार, अगर तुम ये जो काम करी हो चा अगर तुम लिए का कूड़ा उजड़ी तो भाई पहले दिन सोचू चाहिए कि कोरोना पीरियड में यूल कख रहे और कख बसना। और अब देखा ना यू की हालत देखा तुम, क्या हालत यू छू पिछले देखा तुम पूरु उजड़िया मकानी रूणा छी लोग इन आंसू बना छी ना कि वो देवी देवता मंदिर हमल देख तक जब गाँव वखा तो वो रास्ता भी बड़ यू बन विधायक निधि बटे। तो मैं चाहो छू कि ये फरा एक मिल बाल फिर यखा कि जब गाँव उठा रहा सबको कर ला रघुवीर बीजिक टीम पूरा जो हिल डेवलपमेंट मिशन है टीम भी वह गाया गाँव उठा रहा टीम गाया युवा वाहनक लड़का भी आएगी वह कहा कि भाई क्यों आए। तो तब हम वाला कि सोच समझ की अगले कदम उठौला। तो मी पांगति जी थे पूछा कि साहब यो क्या मतलब आप प्रसिद्ध देखा ला बिहारी बिश झील देखा ला, तो आप क्या बोलते हो कि क्या जो ये क्या जो सिपन कोट ये देखिए बहुत पुराना मामला है। जो मसूरी में जो माल रोड में जो ये रिक्शा चलाते थे मानव संचालित उसको घसीट के जाते थे, गरीब लोग थे टिहरी गढ़वाल के लोग हैं ज्यादातर वो थे, तो उनकी सुविधा के लिए उस समय मैं समझता हूँ ये ब्रिटिश टाइम का आदेश है, उस समय केवल 24 परिवार थे, 24 रिक्शे चलते थे, तो उनको ये माना गया कि ये हमारे नगर पालिका के ही कर्मचारी एक प्रकार के, क्योंकि हमारे नगर पालिका के अधीन ही सेवा दे रहे हैं। तो उनके लिए एक उनको जगह देने की बात आई, जगह दी गई उनको, उसका नाम है सिफन कोट। तो सिफन कोट का लिटरल मीनिंग अंग्रेजी शब्द है सिफन, सिफेन सिफन दोनों शब्द हैं, एक ही अर्थ आता है उसको। इसको कहते हैं कैटल शेड, मतलब डंगरों के रहने वाला झोपड़ी, उस जगह इनको रख दिया जाए और उसे कोर्ट में उसके आंगन में ये सब उसके कि वहाँ उस झोपड़ी में वो रहेंगे और कोर्ट में उनका उनका कोर्ट होगा वहाँ आराम करेंगे। और ये सिफन कोर्ट एक डंगरों का एक झोपड़ी नुमा चीज उनको दिएगी, ये समझ के गरीब लोग हैं ये कहीं भी रह लेंगे, ये जानवर की तरह भी रहने को तैयार है, एक जानवर की तरह उनको वहां रखने के लिए दिया। छन उनचा सर छन गढ़वाल गोर रख छा सब सब टेढ़ी गढ़वाल और गरीब लोग हैं, इतने गरीब हैं कि उनका केवल रोजी रोटी इसी रिक्शा से चलता है, परिवार इसी चलता है जी। वो वहां थे जी, थे तो उनको दे दिया गया 24 परिवारों को जी, और इसका बकायदा एग्रीमेंट हुआ जी, रिजोल्यूशन पास हुआ नगर पालिका में जी, उसके तहत इनको दिया गया कि तुम रहो यहाँ, ये सिफन कोट कहलाएगा, हो सकता है उसमें वहाँ जानवरों का गुठियार भी होगा, वहाँ हो सकता है डंगरों का गुठियार भी रहा होगा, उसको हटा के इनको वहाँ रखा गया। अब एक इतनी गई गुजरी जगह पर इनको वहाँ रखा गया जी सर, उसमें से अब ये वहां पर एक रोपवे का कह रहे हैं कि अपर टर्मिनस बनेगा क्या बनेगा, उसकी वजह से वहां उनको तोड़ रहे हैं, औरों को डिस्टर्ब ना करें, और जगह औरों के मकान बने हैं वहां, अभी नए नए मकान भी बन रहे हैं, उनको नहीं छेड़ा इन्होंने, उन गरीब लोगों को छेड़ा कि भई ये अवैध रूप से यहाँ रह रहे हैं। तो हमको जो सूचना मिली थी मीडिया के माध्यम से भी और लोगों अन्य लोगों से भी,
उन्हें ये कहा साहब, ये तो जो यहाँ पर ये जो डिमोलिशन का ऑर्डर हुआ है, ये तो और हाई कोर्ट से हुआ है, इसका हम कुछ नहीं बोल सकते, अगर आप बोलोगे तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा। तो हमने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, हमको पता करना। तो हम गए वहाँ, मसूरी गए वहाँ, वहाँ गए तो ये भी हवा चलाई गई कि अगर आपने ज्यादा बोला तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा, एकदम का आपका नोटिस आएगा। मैंने कहा देख लेते हैं पहले, समझ तो लें, अगर ऐसी बात है तो हम हाई कोर्ट जाएंगे। तो वहाँ पता चला कि हाई कोर्ट ने कोई आदेश कर रखा है, हाई कोर्ट ने एक वहाँ रिट हुआ हाई कोर्ट में, लो एक सिंगल मेंबर जज ने पहले फैसला दिया, उन्होंने उनका जो फैसला दिया उन्होंने ये कहा कि एक रिजोल्यूशन के आधार पर, एक जो संकल्प पास किया गया नगर पालिका द्वारा, उसके द्वारा इनको ये सिवन कोर्ट में रहने के लिए जगह दी गई, इन गरीब मजदूरों को जिनका और कहीं कोई ठिकाना नहीं था उनको, तो उनको ये दिया गया। तो हाई कोर्ट ने कहा कि एक रिजोल्यूशन के आधार पर कोई प्रॉपर्टी उनको दी गई है तो उस प्रॉपर्टी में उनका अधिकार नहीं बनता है। हाई कोर्ट ने अभी तक हमको किसी ने आदेश नहीं दिखाया है जिसमें ये कहा हो हाई कोर्ट ने कि इसको डिमोलिश कर दिया जाए। फिर हमने कहा कहाँ है आदेश दिखाया जाए, तो उन्होंने कहा आदेश तो नहीं हमारे पास, लेकिन ये जो है हाई कोर्ट ने ये कोई डिमोलिशन का कोई आदेश नहीं किया है, बल्कि ये कहा है कि नगर पालिका की प्रॉपर्टी है, नगर पालिका को डायरेक्शन गया है कि तुम इसके नियमानुसार कार्य करो, लेकिन वो आदेश अभी तक हमको नहीं मिला। फिर हम उनके बीच गए, जो वहाँ के जो जिन लोगों को, जिन मजदूरों को उजाड़ा गया था, जिनके मकान टूट तोड़े गए थे, उनके बीच गए, उनसे हमने पूछा कि क्या तुम्हारा वहाँ मकान बना है। उन्होंने कहा साहब मकान बना है, सरकार की इजाज़त से हमने बनाई। तुम्हारे के बाद बिजली का कनेक्शन सैंक्शनड है। उनके साहब बिजली का कनेक्शन हम तो लगाते थे, देखिए हमारे बिजली के उपकरण यहाँ फेंक दिए इन्होंने, वहाँ बिजली का कनेक्शन उन्होंने ले लिया, और उनका पानी का कनेक्शन वो भी हमने ले लिया, हमने पानी का कनेक्शन भी है हमारे पास था वहाँ, और उनका आधार कार्ड भी बनाया उसी सिवन कोर्ट के एड्रेस पर। और यही नहीं, आपका जो निर्वाचन सूची होती है, जो वोटर लिस्ट होता है, उसमें उनका लिस्ट है, वोट दे रहे हैं मुझे। अब जब इतनी चीजें सरकार की अनुमति से वहां हुआ, उनका वोटर लिस्ट बना हुआ किसी एक्ट के तहत, सड़क भी बनी साहब, विधायक निधि बटी, विधायक निधि से उन्हें सड़क बनाई सरकारी खर्चे से, उनका आधार कार्ड बना तो आधार कार्ड किसी एक्ट के तहत बना, उनका जो निर्वाचन सूची है उसमें नाम आया किसी एक्ट के तहत आया, उनके बाद बिजली कनेक्शन पानी कनेक्शन किसी नियम कानून के तहत उनको दिया गया, तो ये कैसे कह रहे हैं कि वो आज अवैध है, जब आपने अवैध था तो इतने कनेक्शन उनको कैसे दिए गए, उनका वहां पर एड्रेस, वहां पर स्थापित एड्रेस कैसे हो गया, चुनाव निर्वाचन जो वोटर लिस्ट है उसका नाम कैसे आया, क्या ये कानून के तहत नहीं है, क्या ये अवैध है, तो ये प्रश्न आया कि ये कैसे कर रहे हैं। फिर एक कल ही थवलियाल जी के माध्यम से मुझे मिला है, जो सचिव पर्यटन है उनके माध्यम से एक चिट्ठी जारी की, एक कोई थापा है, क्या नाम है उसका, उन्होंने इन गरीब मजदूरों की तरफ से एक ज्ञापन बनाया पर्यटन विभाग को, मुझे मुख्य सचिव को दिया, मुख्य सचिव ने पर्यटन विभाग को सौंपा कि इसको इंक्वायरी करके दो, तो उन्होंने जारी कर रखा है, तो उसमें सुप्रीम हाईकोर्ट के आदेश का उन्होंने जिक्र कर रखा है। उस हाईकोर्ट के आदेश में केवल जो उन्होंने उसमें उसको कोट कर रखा अपने जांच में, उसमें केवल ये लिखा है कि हाईकोर्ट ने कहा कि एक रिजोल्यूशन के आधार पर इनको कोई अधिकार उस प्रॉपर्टी में नहीं बनता है। तो ठीक है, उनकी जमीन में इनको अधिकार नहीं मिलेगा, ये तो सभी मानते हैं, हम भी मानते हैं, तो ये जनरल कानून है कि जब तक आपको उसको ट्रांसफरेबल राइट नहीं मिलता है तो वो प्रॉपर्टी आपकी नहीं हो सकती। लेकिन उस प्रॉपर्टी पे जो उन्होंने एक बिल्डिंग खड़ा किया है, इतने कनेक्शन लिए हैं, अपने बच्चों को वहाँ पाल रहे हैं, उतने उनका इक्विपमेंट वहाँ वो सो रहे हैं, वो संपत्ति तो इनकी अपनी है। बिल्कुल सर, वो संपत्ति तो उनकी, वो उसको संपत्ति को आप कैसे उजाड़ सकते हैं। एक दूसरा ये कहा उसमें कि 24 लोगों को ये जमीन देने की बात हुई थी और उनको यहाँ बसाया गया, उनमें से केवल 5 बच्चे हैं, बाकी आज नहीं है। अब बाकी जो 5 बच्चे हैं तो 19 नहीं है, 5 हैं, तो इन्होंने वो 5ों की बिल्डिंग भी तोड़ दी, जिसको आप मान रहे हैं कि इनके रिजोल्यूशन के आधार वक्त 84 थोड़ी साहब 84 की, ये तो यूं कुछ छठे अंदर। तो चलो आप हम आपकी बात अगर हम मान भी लें, आपकी इंक्वायरी के अनुसार ये सभी अवैध थे, वहां काबिज हुए थे, लेकिन आप खुद ही कह रहे हैं कि 5 तो वैध थे, उनको तो रिजोल्यूशन के अनुसार दिया गया था, वो आज भी हैं, उनकी बिल्डिंग कैसे तोड़ी फिर आपने, तो ये कहने। फिर हमने उनको पूछा, वहाँ के जो जिनको उजाड़ा गया उनको पूछा कि तुमको कोई नोटिस दी गई,
उनके साहब एक साल पहले कितने महीने पहले एक चिट्ठी आई थी नगर पालिका के तहत कि ये खाली करना पड़ेगा, आप खाली करो। तो हमने कहा कहाँ जाना था, हमारे को कोई ठौर ठिकाना है नहीं, हमने कहा जो होगा देखा जाएगा। तो अब उसके बाद जब ये डिमोलिशन मान लिया गया, हम एक एक उदाहरण लीजिए आप कि चलो ये सभी थे और इनका डिमोलिशन करना आवश्यक हो गया था, तो उसके लिए भी इनको नोटिस देनी चाहिए थी, उनको कम से कम 10 दिन 15 दिन की नोटिस देनी चाहिए थी कि हम उजाड़ने वाले हैं तुम्हारे घर को, 15 दिन के दर आप अपनी व्यवस्था करना चाहते हो कर लो, वरना हम जबरदस्ती उजाड़ न बेहाली। जब सर बिट जी गए ना तो बिट जी ने साहब आप बहुत एक एक करेगा अपन बगोर जी रखा, एक एक लोग पूछना तो आप क्या लगा कि मतलब अन्याय हुआ है, कितने आए हुआ है यूं दगड़ा मेरे भी तुम दगड़ तो आपल ध्यान से जब कजरून बैठो कजार तो भी रून बैठियो उनका हाल देखिए भगवान, वो अपना देवी देवताओं दे पुकार ना छाया आपल क्या के होन से बिट जी बतावा। देखो थवलियाल जी, जन कमिश्नर पांकी साहब बहुत सही तरीके से वो एक मामला बानो समझाई जी, और हम तो ये बोलनो कि चाहे हाई कोर्टल जो छे नगर पालिका था आदेश भी दे रो जी, इन हाई कोर्टल जो कई उत्तराखंड में जो छ जो नदी किनारे बस्ती बसाया छी जग भार का लोग बसाया छी, ऊ घनी बोल छ कि 200 मीटर तक दायरा में जो जो भी बस्ती बसाया छी ऊ दा जो छ हटाना निर्देश दे रो जी। तो हमार सरकार के कार्य ये वर्तमान सरकार त्रिवेंद्र सरकार कि ऊ कॉलोनी दा जो भार का लोग आया छी ऊ नदी किनारे जो बस्ती बसाया छी ऊ ता बचाना बानो अध्यादेश ली वो विधानसभा में, और वे कारण जो हाई वे बतून जो निवाल की कोर्ट का अवमानना होने वे खंड जो अध्यादेश लिया मी बक्की बात ये, और ये हमारे जो उत्तराखंड का चीज जो जी जो उत्तराखंड आंदोलन में भाग लिया जी टेरी गढ़वाला का चीज 84 परिवार उठाई, और वो भी इन समय में जब कोरोना काल से जब पूर्व विश्व में जो मानव सभ्यता मानव जाति का बचाना बानो तमाम लोग लगे छी, ये बरसात का टाइम पर जो चू था छोटा छोटा लड़का उनका कन रूम में ब्याल दियो जी राम भगवान बारी और बुढ़े बुढ़े बुढ़िया और मुंह जो चीन खुलम छोड़ दिया कि तुम जाओ एक बटे बब्बा कन तरी से वो जो जो गोर वो जानवर उतरा जो एक कमरा एक कमरा में गौ रक्षक भी गौ खुणे आजकल वो ढूंढना चीन और आज यूं था तुम सड़क में छोड़ना चो अब वो कारण जो वो लेडीज का था रूम में चार बहुत बुरी स्थिति हो गया। हर हम भी बोलना चाहो कि हाई कोर्टल तीन बोलो कि या देहरादून का अतिक्रमण तो तुम हटाओ या रिंग रोड जो है या रिंग रोड का अतिक्रमण हटाई तो वे बात उन हटा दिया, ये 6 नंबर पुलिया से लेकर वक्त तक जो है धर्मपुर तक अतिक्रमण हटाया उन जो जो अतिक्रमण हटा दिया, लेकिन जब आड़त बाजार अतिक्रमण हटाना बात है और जब जो है वो अतिक्रमण हटाना बात है हाईकोर्ट के बावजूद भी वरना बावजूद भी ये राजपुर रोड जब बड़ा बड़ा होटल बनाया थी जब बड़ा बड़ा जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया थी तो ये सरकार जो जो उन्हीं खंड बुलडोजर जान से जो थर 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 कपड़ बच गया, और जब जानी खड़ी पहाड़ी का वो कैसा है वो जो बुलडोजर मिल कुमारी, और अभी भी हाई कोर्टल जो बोलो इसकी भी देहरादून के अंदर जल का अतिक्रमण जो होता तुम हटा दो, लेकिन यू हिम्मत नहीं हुआ कि जो ये जो राजपुर रोड जरा अतिक्रमण हटा के दिखा दे वो जो सिंचाई विभाग का नायल पर जो बड़ा बड़ा होटलों का होटलों जो कब्जा कर अरे साहब मधुबन पिछले मधुबन से लेकी डीआईटी से लेकी तमाम जो अतिक्रमण कर लेकिन ये सरकार के अंदर इतना हिम्मत नहीं कि जो ऊ बड़ा आदमी जो अतिक्रमण था हटा सा अरे रोहिंग्या तक बसाली साहब रोहिंग्या तक बसाली, और वो एक बात गरीबों पिछनी पौड़ी वो गरीबों पिछनी की जो अब बटे ना जो था 40-40, 50-50 साल हुए की वक्त जो रहना वो था जो ये बताने से और भी कह मानू क्योंकि यक जो नदी किनारे कोई अडानी फटानी नहीं आमा वो कह गारू अडानी ट्रोलिंग बानो मेरा बब्बा, और आज मिल जो जी एक पत्रकार बहुत अच्छी कह रहे वाल जो 100 एकड़ जो चुवक वक वो कह रही कुछ अडानी प्रोजेक्ट लगने वाले ये भगवान वही कारण जो ये फरीदाबाद फरीदाबाद में भी वाई नहीं ये पारवक भी अडानी प्रोजेक्ट लगने वाले, और दिल्ली में भी जो 48,000 झुकी जो भी तो हटाना के बाद जो रेलवे ट्रैक के लगे अब रेलवे भी जो वो है कि हवाला कर्मी तो वो वाली सारा जो जो सरकार त्वरित निर्णय ली माना ना युद्ध हटाना में तो वह कोई ना कोई बड़ जो उद्योगपति हाथ ये भगवान ये जो मिल आज बड़ा मिल आप भेज भी रोचू ये भगवान व्हाट्सएप पर भेज रहा आप क्या ये बात कखो की कख चोट पर जी जा है अरे अडानी को सारे अगर ये जो रोप वे अडानी नहीं हूं तो यू 84 परिवार जो
जनप्रतिनिधि पहल काम जो मतदाता जनता जो सेवा कर दुख सुगम काम लेकिन दिन होगी हम तो उजड़े आऊ बिल्कुल सड़क पर छोड़ा रे लेकिन बोल जो जो जय जय भागात पर बोल हमारे राखी बांध रहे थी वो भाग बोल जो हमारे सुदूर लेना करने नियम है ये भगवान और ये बताओ जब वेल जानू चाहें चाहे जो इन्हों बाप कक्कक जानू रहें दो वो आखिर नहीं जानू जगह पर जो उन जितना यूं चाह और पांग दीजी ये एज ये द्वामा वक गए ना साहब आप से मतलब क्या आपको सार यूं चक सब भी होते वो इन सोचना चाहिए ना कि हमारे भगवान आ गया साहब अब आप बतावा कि कन के बचे जाला ये लोग और क्या कन चाहिए थे। अब ये जो अभी आप लोग बता रहे हैं कि अडानी के कहने को हुआ वगैरह हुआ ये जो और भी घटनाएं हैं उससे लग रहा है कि वर्तमान सरकार जो बड़े बड़े धनाढ्य हैं उन्हीं को प्रमोट कर रहे हैं और गरीबों का केवल नारा है गरीबों को हम बताएंगे उनका उनका पक्ष लेंगे उनका उनकी सुरक्षा करें ये सब एक एक नाटक है एक फर्जी आंदोलन है। हमारा जो देश है इसको हम कहते हैं वेलफेयर स्टेट। वेलफेयर स्टेट का मतलब जो सबसे गरीब है उसका सबसे पहले उसको प्रोटेक्ट करना उसका वेलफेयर लेना उसका कल्याण करना जो पैसे वाला तो अपने आप कर लेता है। तो यहाँ हो क्या रहा है जो सबसे गरीब सबसे जो उसमें डंगरों के झोपड़ी में रहने के लिए तैयार हुए इतने निम्न स्तर के लोग जो कि पशु जीवन जी रहे थे उनको उनके उस डंगरों के गुठार से भी इस तरह से उजार रहा है। तो ये जो हमारे संविधान में जो लिखा है वेलफेयर स्टेट का जो कंसेप्ट दिया गया है इसका ठीक उल्टा चल रहा है हम लोग और सब जय जयकार ले रहे हैं कि ये कर दिया वो कर दिया। तो न्याय का जो सिद्धांत है प्रिंसिपल ऑफ ज्यूरिसप्रूडेंस कहते हैं उसमें भी ये कहा जाता है अगर दो पक्ष सामने है उसमें जो कमजोर पक्ष है उसका पक्ष उसका उसका पक्ष ज्यादा और ये तो बिल्कुल शेड्यूल और जो यहाँ देखे अडानी को तो सुन रहे हैं उसने कहा कि मुझे खाली करना है तो उसको तो सुनवाई हो रही है जिसके पास अथाह संपत्ति है जिसको ये पूरी सरकार को खरीदने की ताकत है उसको तो प्रोटेक्शन दे रहे हैं और जो बेचारे जंगलों के में जानवरों की तरह रहने के लिए मजबूर थे उनका वो जो एक किसी तरह से झोपड़ी इकट्ठा करके उनने पैसा इकट्ठा करके देने कितना पैसा उसने लगाया होगा बिजली का कनेक्शन क्या अपने हाथ से थोड़ी लगाया हो नहीं किसी बिजली विभाग के लोग आएंगे उन्होंने लगाया होगा आधार कार्ड इतने इतना करने के बाद एक ईमानदार नागरिक होने का फिर भी वो दिखाया उन्होंने फिर भी सेवा भाव दिखाया फिर भी आज भी वो माल रोड में रिक्शा चलाने के लिए तैयार है। बड़े बुजुर्ग लोग भी देखे हमने वो कहते हैं हम अब भी चलाते हैं क्या करें हमारे तो। और सर दूसरी बात ये हो कि प्रधानमंत्री जी जो भाषण दिया था पार्लियामेंट में मूल वाल के हम जो 2022 हम जो आजादी 75वीं साल मना और आजादी 75 साल में वाल हम सब संकल्प लियोला कि हम हर एक गरीब आदमी था जो पक्कू मकान दियोला अभी तो अपने आप ही जो उल्टा भगवान पक्का मकान दिया और वो जो गरीब होता जो उजड़ में पक्का मकान देने की बात कर। एक चीज और है इसमें ये जहाँ ये जो शिफन कोर्ट में इन्होंने तोड़फोड़ की इसके अलावा और भी विकल्प उपलब्ध है वहाँ आप वो जो ब्रेरो हिल की तरफ पूरे वहाँ काफी जगह खाली है आपने रोपे बनाना था वहां बनाते जहां उपलब्ध है जमीन जरूरी क्या था इन्हीं को उजाड़ सबसे गरीब आदमी को ढूंढा इन्होंने उनको उजाड़ने उनको तकलीफ देने के लिए जब विकल्प नहीं होता ये होता कि चीन का हमला हो जाएगा अगर इनको नहीं उजाड़ेंगे हम यहाँ रोपे नहीं पहुंचाएं तो चीन का हमला हो जाएगा हम हार जाएंगे ऐसी स्थिति होती है हम मानते और अभी सर दूसरी बात ये हो कि अभी रोपे बढ़ने में कम से कम तीन चार साल लगे और उदा जो जी ये मौका पर ये बात कोरोना पीरियड बीच बरसात बीच और उदा सड़क पर चलो हम मानते हैं कि इस सिपन कोर्ट के बिना उनका काम नहीं चलता यही चाहता हमको तो ठीक है आप इन लोगों की व्यवस्था दूसरी तरह करते आप ये गरीब आदमी को केवल उजाड़ने के लिए है क्या वो उसको कहीं पर उनकी व्यवस्था करते भैया उसे भी अच्छी जगह देते यहाँ रहो अच्छी तरह से रहो ठीक से रहो तुम इतने ये जो जहाँ डंगरों का जो झोपड़ियाँ थी उसमें मत रहो वो वहाँ जगह आपने भी देखा होगा कैसी जगह है वो मसूरी कहने लायक जगह नहीं हो
ऐसी जगह जहाँ पूरे उस इलाके का पूरा सीवर लाइन उधर बह के जाता है। साहब क्या बोल की जब ये पलटन बाजार में जैसे हम चक्रोदा रोड बोल दो वहाँ पे जो है कुमार स्वीट है जब अतिक्रमण कब्जा करे सरकारी जमीन पर कब्जा करे जब सरकार हटा कोर्ट के माध्यम से ही तो फर्स्ट क्लास दुकान जो पिछले उनको विकल्प दिया गया कॉम्प्लेक्स बना प्रेम नगर जो सड़क कब्जे ही छाई सड़क कब्जे चौक गढ़वाल की पुनर्विस्थापन करो और यूं लोगों जो 40 साल बैठे रहे मजा जो आप पूर्व अध्ययन करा हुए और वो एक बावजूद भी जो जो बिना नोटिस बिना हुए जो सड़क पर मकान टूट दी बीर जी मीते मेरे हिसाब से इंसा कि गड़ोलियों को पहलू अतिक्रमण छायो मतलब कई नदी में निचिन पूरा आपरिस बनम ढूंढ लावा अब बिंदाल नदी किनारों देख लावा सब बाबा बिंदाल नदी में तो जनो हम ताल लाल पुल में लगभग 50% मुसलमान लोग बैठे जी साहब हमर भाई बन छी गरीब आदमी छी उनका वास्ता ये सरकार अध्यादेश लाए जब हाई कोर्ट ने बोल उजाड़ दिया वा ईल बोल बचा छी वो अरे तुम थायु गड़ो किले लग दर्द क्यों नहीं लगा तुमको हैं मतलब अब क्या किया जाए बताओ बीर जी आप क्या किया जाए आप अब क्या करें हम लोग इन्होंने एक हवा क्या बना रखा वहां जी सब ये कहते हैं कि हाई कोर्ट का ऑर्डर आएगा हम कुछ नहीं कर सकते झूठ बोल रहे हैं सर हाई कोर्ट का आदेश बना के सर हाई कोर्ट का आदेश तो यूं फड़ बिछा बस्तियों नदी किनारे बस्तियों को गिराने के लिए वो किलर कर था मैं तो कहता हूं दिखाओ तो सही हाई कोर्ट ऑर्डर क्या है वो नहीं दिखा रहे हाई कोर्ट का ऑर्डर पूछ रहे हैं वहां के जो पत्रकार लोग पूछ रहे हैं दिखाइए तो सही वो नहीं दिखा रहे कह रहे है अरे हवा बनाओ कि इनको डराओ आप भाग जाएंगे जब पांगजी जी वह गए ना एसडीएम कोर्ट में और पूर्व वर्किंग डे है और वे वर्किंग डे डीएम ना ये जनो नो अनु वक बाबू हमर वो ज्ञापन लेनो अरे यू ये तो यू तो ही ना ब्लास्ट हो गया कि ये तो बड़ा बड़ा सफेद हाथी बन गई ना और जनता था ये कुछ नहीं समझना चाहिए मतलब इतना बड़ा आदमी जब गए ना उधर कोई फर्क ही नहीं अरे क्या कहना है बलियों को लोग तीन छीन वाला अभी दीदी वोट अभी दीदी से जो बंद भगत बैठे आज क्या बोल देखी तो डर लग मी रहेगी गाल दीदी मी रहेगी थमला दिन बोल कि हम तो पता लग गया कि एक इन षड्यंत्र रचे गया है जो षड्यंत्र रखता है तो ये गरीब आदमी फैर करेगी ना देहरादून जत का अतिक्रमण जबर तक नहीं हटा ले सरकार इनकी नाक दम करे रखना हमला ये संकल्प लिया हमला और यू शब्दों को दगड़ जय भारत जय उत्तराखंड।